नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। हम जंतर मंतर हैं और जंतर मंतर पर जैसा कि आपको मालूम है कि पहलवान बेटियां जो हैं वो पिछले एक महीने से सिस्टम के खिलाफ और जो उनके साथ शोषण हुआ है उसके खिलाफ बैठी हैं न्याय की मांग करके। हमारे साथ में जय कुमार मलिक हैं जो गाजियाबाद के भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, लगभग एक महीना होने को जा रहा है, कैसे देखते हो आंदोलन, किस दिशा में जा रहा है? किसान आंदोलन की तरह आगे तो नहीं बढ़ रहा है ये? हाँ, बढ़ रहा है। इनकी गलत फहमी थी, ये सोच रहे थे बेटियाँ हैं, जल्दी डर जाएंगी, जल्दी थक जाएंगी, घर चली जाएंगी, कुश्ती भी करनी है। इन्होंने देश की अगली पीढ़ी का शोषण बचाने के लिए अपनी कुश्ती दाव पर लगा दी है। ये जब तक ये भाजपा इस देश में, ये कुश्ती नहीं खेल पाएंगी बेचारी, पर अगली पीढ़ी को न्याय दिलाकर उठेंगी। और पूरा देश, किसान, मजदूर, जवान, संगठन, पूरा देश इनके साथ खड़ा, बहुत आगे देश में। जिस दिन कोल होगी, दिल्ली जाम होगी, ये न्याय लेके जाएंगे यहाँ से। आप कह रहे हो न्याय लेके जाएंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बिनेश तो मेरे घर की बेटी है, और कहते थे प्रधानमंत्री जी का सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक महीने से बेटियां बैठी है, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की जो मतलब घर के दरवाजे से बेटियों को नहीं बुला रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री अपनी एमपी की सीट गिन रहा, क्यों पहले ही ज्यादा लग रही हार जाएगा, उसे सरकार से मतलब है, उसे पहले दिन न्याय करना चाहिए। ब्रजभूषण को फट्टे मार के, बिरजू को साइकिल चोर को, इसे फट्टे मार के जेल में भेजता। सांसद है आप, साइकिल चोर बता रहे हो? सांसद चोर नहीं बने, बार का सांसद यहाँ फूलन देवी भी, घरवाली भी सांसद रही है, फूलन देवी भी सांसद बनी इस देश में। इस देश में डाकू और चोर तो ज्यादा सांसद बन रहे हैं। फूलन देवी तो पीड़ित महिला थी, नहीं तो कि डाकू तो उसके नाम का कभी लग रहा था, पीड़ित थी, भले उसने पीड़ा में हथियार उठाए, थी तो डाकू, वो भी जनता ने बनाई। और ये बाहुबली आज तक जीतते आए, सोशल मीडिया का जमाना कम था, अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं कि ये तो गुंडे ही कर रहा है। इसको सबसे पहले नैतिकता में इस देश में रेलवे के मंत्री ने इस्तीफा दिया, हमने पढ़ा दुर्घटना में, इस पे तो पोस्को की एफआईआर है, इसे जाके सिलेंडर हो जाना चाहिए। नहीं तो कानून तो कहता है ना, अगर पोस्को में एफआईआर है तो पुलिस तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार, तो पुलिस की गलती है ना, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? वो तो कह रहा मुझे, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो अपने घर हूँ, गिरफ्तार करो मुझे। किसकी है? पुलिस सरकार की है ना, पुलिस भाजपा की है, ये इनका हाथ है, उसको बचाने में उसके साथ साथ खड़े हैं, और इन्हें जल्दी से उसे छोड़ के जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी होगी, ना देश की जनता खचीटते लाएगी, वहाँ भेज देगी तैयार। नहीं तो वो कह रहा है कि भाई अगर मोदी जी कहेंगे, अमित शाह कहेंगे, नड्डा कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं तैयार हूँ जैसे पार्टी की कैड। तो पार्टी जिन लोगों को, जिनको आपने वोट दिया भरभर जोली, जिनको दो दो बार प्रधानमंत्री चुना, जिनका छीना 56 इंची का था, क्या कारण है कि ब्रजभूषण के सामने नहीं बोल रहे हैं, ब्रजभूषण को आदेशित नहीं कर रहे? पता नहीं क्या मजबूरी है, उनको पता होगा, पर कल तो कर तो गलत ही रहे, हो सकता है ब्रजभूषण ज़्यादा फंडिंग देता हो, रिश्वत ज़्यादा दे रखी हो सकता है, क्या इन पर दबाव हो, ये तो वो जाना है, पर कर तो गलत रहे हैं, देश के साथ तो गलत कर रहे हैं, बेटे को न्याय तो नहीं दे रहे। ये वो 7 एफिडेविट दिए हैं, और 700 ऐसी होंगी जिन्होंने चुप अपना ये शोषण झेल लिया होगा, घर जाकर शिकायत नहीं की होगी। बड़ा काम है बेटी के लिए, छाती पर पत्थर रख के आवाज़ उठानी पड़ती है, 100 बात बनाता समाज। इनको तो मैं सलाम करता हूँ, बेटियों को इन्होंने आवाज़ उठाई और इनके साथ आज देश खड़ा है। ये कितनी कर लें किसान आंदोलन की तरह, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और विपक्ष का आंदोलन, ये वो रंग लाएगा, ये आखिरी कील साबित होगी भाजपा के ताबूत में। अच्छा बताइए, फंडिंग कहाँ से हो रही है? यहाँ बैठे हैं सब लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? जहाँ से किसान आंदोलन में आ रहा था, कांग्रेस से, चीन से। हमारे यहाँ लॉकडाउन था, जहाज बंद थे, क्या मोदी का मामा साइकिल पर लाकर आ फंडिंग? अरे किसान अन्न उगाता है, किसान रोटी खाता है, किसान अपना अन्न लेके आ जावा, उससे रोटी खा ले गया, यहाँ किसान मिलने आवे 10 किलो कोई केले ले आवे, कोई आटा ले आवे, कोई सेव ले आवे, उससे रोटी खा ले, फंडिंग की क्या जरूरत है? यहाँ तो फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, रोटी घर से आ जा। ये केवल मीडिया और सरकार मिलाकर गपूची गम गम शहर में उन पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाते हैं जो केवल जॉब और टीवी देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो बेटियां हैं बैठी हैं, हिंदू हैं या नहीं है? ये भारतीय हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की, इनका कोई मजहब धर्म नहीं है, ये तो देश की बेटियां हैं। देश की बेटी हिंदू तो है ना कम से कम? हाँ हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं, सरकार हिंदू की चल रही है, कट्टर हिंदुओं की चल रही है, और सरकार के जो संगठन है, चाहे आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, युवा हिंदू भावनी है, जो कहती है कि बेटी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, मुसलमानों से बचाओ, आज जो ये बेटी बैठी हैं, सरकार अपने हिंदुओं की कट्टर सरकार है, हिंदुओं की बेटी हैं, क्यों नहीं बचाई जा रही है बेटियाँ? नहीं, भाजपा का जो नारा है कि बेटी पढ़ाओ, यानी कि खुद पढ़ाओ तुम और बेटी बचाओ, ब्रैकेट पर लिखना भूल गए भाजपा से,
भाजपा तो कर रही है अत्याचार, ये बेटी बैठी है, भाजपा की सरकार है, भाजपा ही तो जवाबदेही है, उसको ही तो न्याय करना चाहिए। और रही बात खतरे की, हिंदू खतरे में एक साल हो रहा है, 9 साल से है, ना पहले खतरे में था ना आगे खतरे में रहेगा, ये 9 साल हिंदू खतरे में रहा वोट लेने के लिए, ये चोरी का रास्ता बना लिया उन्होंने कि फूट डालो गुमराह करो वोट ले लो, 1 साल बाद हिंदू खतरे से बाहर निकल जाएगा। 1 साल के बाद ऐसा क्या हो जाएगा, 24 में क्या हो जाएगा, सरकार की प्रांत पलट देगा देश। नहीं, उस मोदी जी क्या, मोदी किसान आंदोलन में आप लोग ये कह रहे थे कि इस बार क्या नाम मोदी जी को वोट नहीं देना, जो किसान बेल्टा भर भर के वोट दिया। मोदी का चुनाव नहीं हुआ, केंद्र का कोई चुनाव नहीं हुआ था, केवल यूपी का हुआ था, बीजेपी को तो वोट दिया ही ना भर भर। हाँ, भर भर के नहीं दिया, थोड़ी सी कमी रहेगी, लोग फिर समझ गए थे, इस बुलापे में आ गए कि इन्होंने हमसे झूठ बोल दिया था कि किसान भाइयों माफी मांग रहा हूँ घर जाओ, तुम्हारी सारी मांगे मान लेंगे, MSP भी देंगे, दी नहीं, थक गया। ऐसा तो नहीं है कि फिर आके मोदी जी TV पे कहते हैं कि मैं देश की बेटियों से माफी चाहता हूँ और आगे से मैं मेरी भक्ति में कुछ कमी रहेगी, फिर वही काम हो जाए 24 में फिर आ जाए। तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो चोर को एक बार तो बापे में आ सको, दोबारा थोड़ी आपका घुसने भी ना देंगे, समझ गए ठग हैं, ये किसान की भावना से खेल गए, अब कह नहीं मानने वाले हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि ये जाटों की लड़कियां हरियाणा से आई हैं, कोई 10-20 लोग इनके साथ में, ज़्यादा कुछ नहीं है, देश में से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही कह रहे थे किसान जो है पश्चिम के हरियाणा किसान है, देश के किसान नहीं है। और जब देश राकेश टिकैत जी की किसान महसी आ गई, जो पंचायत पूरे देश में हुई, कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलोर, MP, राजस्थान, तब इनकी आँख खुली रही, तो थोड़ा बाबा तो इसके पीछे थार से भी ज्यादा जनता। तुम्हारा ब्रजभूषण एक दिन बोला टिकैत साहब को, अरे बिरजू तुझे इस कैमरे से कह रहा हूँ, कहीं टिकैत साहब मिल जाए उनके चरणों की धूल लगा ले, ऐसा महान आत्मा है वो तो, नहीं तो तेरा वक्त खराब है देश में। ये राकेश टिकैत जी की देन है, आज किसान का सम्मान और इज्जत बच गई है, नहीं तो किसान को बर्बाद कर देते। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे कह रहे हो कि आप राकेश टिकैत उस दिन आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास में ट्रैक्टर भी है, किसान भी है, कमेरा जातियां भी है, लेकिन उसके तुरंत बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में करनी सेना पंचायत करती है, कहती है कि राकेश टिकैत के पास 5 लाख अगर ट्रैक्टर है तो हमारे पास भी 5 लाख ट्रैक्टर हैं, तो कौन से लोग हैं जो अपराधियों के पक्ष में जो पंचायतें कर रहे हैं। देखिए वो कोई समाज के लोग नहीं है, उस समाज में कुछ उचक के लोग हैं, ऐसे ही जो ठाकुरों में गद्दार थे उन्होंने मुगलों को शादी भी कर दी, सब ठाकुर तो हमारे साथ हैं, तो ठाकुरों में कुछ निकम्मे एक तो बोल देता, कहाँ बुलाओ कहाँ आएगा नहीं यहाँ तक, यहाँ कम से कम 50 ठाकुर बैठे होंगे, अभी 4 तो मेरे साथ आए। ये ठाकुर जाट बना के देश को गुमराह कर रहे हैं, आंदोलन को भटकाना चाह रहे हैं, नहीं होगा। ऐसे 100 ठाकुर हैं जो ब्रजभूषण को पढ़ कर लाने को तैयार है और जेल में बांटने को तैयार है, ऐसा तो दिख तो रहा है ना कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा आदित्यनाथ ठाकुर जाति के नहीं होते, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर जाति के नहीं होते, तो जाति का कहीं ना कहीं फायदा तो उनको मिल ही रहा है ना। अगर यही अतीक अहमद या कोई ब्रजभूषण की जगह कोई दूसरा खान होता तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। नहीं, बाबा का बुलडोजर खराब पड़ा, उसकी सर्विस हो रही है, अभी खराब है, अब जब ब्रजभूषण का मामला निमट जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो खराब खराब बता देगा। देखिए योगी भी सही आदमी है, योगी की पावर आधी है आधी दिल्ली धरी है, बेचारे का हेलीकॉप्टर गर्म हो जाए हफ्ते में 3 दिन आना पड़े है, यूपी दिल्ली से चलती है, यूपी से नहीं चलती है, उसे तो बैठा दिया बेचारे को, मोहर मारता रहा, हम जो कहते ना करता रहा, अन्यथा तो फकीर आदमी उसे क्या चाहिए, वो तो न्याय की बात करता ही है। मुसलमानों की छुड़ी टाइट कर दी, उससे वोट का लपड़ा है ना कि मैं टाइट कर रहा हूँ, कौन सा मुसलमान पाकिस्तान भेज दिया उन्होंने, सब यहीं है, कैमरे पर टाइट कर रहे हैं छुड़ी, कैमरे पर अतीक तो गुंडा था, एक बदमाश था, बदमाश की जाति नहीं होती, उसका टॉपिक तो मर गया, उन्होंने मरवा दिया, किस रास्ते से मरवाया ये जाने, पर गुंडे का अंत तो ये होता ठीक रहा। ब्रजभूषण सिंह कौन है फिर, महागुंडा, तो फिर उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए, जब तक आंदोलन इसी बात का तो हुआ कि कम से कम योगी की आँख खुल जा, कि तू ही न्याय कर दे, छोड़ दिल्ली वालों को, ये बेटियाँ नहीं तो बैठी हैं कि ये महागुंडा है, महागुंडा इसको ठीक करके जाएगी जनता, इसे दिल्ली बाढ़ के जाएगी जेल में। और ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खत्म हो लिया, कर्नाटक ने साबित कर दिया कि अब ये नहीं चलने वाला देश में, हिमाचल ने साबित कर दिया नहीं चलने वाला, अब जनता समझ गई है ये 6 स्टेट तो में इनकी सरकार है प्योर, बाकी सब इनका गायब है काम, इन 6 में भी आपका निमट जाएगा। चलिए तो आप जय कुमार मलिक थे और गाजियाबाद के किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जो हैं प्रभारी हैं, मुझे बात करने का मतलब यही था कि ताकि पता चल सके कि किसान यूनियन किसानों के जो संगठन हैं उनका कितना समर्थन इन पहलवान बेटियों के साथ में है।